आज हम बात करेंगे कि आप कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं अगर आपको मुंह में कैंसर हो जा रहा है। ये इसको हम माउथ कैंसर्स कहते हैं। माउथ कैंसर हेड एंड नेक कैंसर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो कैंसर्स गाइस सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन हमारे नेग्लिजेंस की वजह से, हमारे अवेयरनेस ना होने की वजह से कल को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाल फिलहाल में ही 2 पेशेंट्स को मेरे कैंसर्स हुआ है, और जब उनको प्री कैंसरस रीज़न था तो ऑलरेडी हमने उनको बताया था, सजेस्ट किया था, उनको प्रॉपर डायग्नोस दी गई थी कि आपको बायोप्सी की ज़रूरत है, बट पेशेंट्स बिन बताए गायब हो जाते हैं और फिर वापस लौट के आते हैं 1 साल बाद, जब वो प्रॉब्लम अनट्रीटेबल होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपके घर में शीशा है, मिरर है, छोटा है, बड़ा है, उसके सामने बैठ जाइए, उसको लेके सामने रख लीजिए, और उसके बाद जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको माउथ के अंदर नोटिस करिए, ठीक है। जो ये माउथ कैंसर है गाइस, ये हेड एंड नेक कैंसर्स में आता है, और ये आपके मुंह में कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग आपके लिप्स यानी आपके होंठ, आपके मुंह के अंदर कहीं भी हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड, आपके फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो सकता है, आपके पैलेट पे हो सकता है, किसी दांत के सराउंडेड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप कैसे देखेंगे। तो जब आप शीशा लेके बैठ जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले जो आपको नोटिस करना है, किसी भी तरह का ऐसा अल्सर तो नहीं है मुंह में जिससे आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, जो अल्सर्स होते हैं जनरली वो अनट्रीटेबल होते हैं, यानी कि बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं विद इन 1 or 2 weeks में। आपको नोटिस कब करना है, अगर कोई अल्सर आपको मोर देन 2 weeks से परेशान कर रहा है, 2 हफ्ते हो गए और उसका साइज अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है, वैसा ही वो पेनफुल है, आपको दर्द कंटिन्यूस बना हुआ है, तो उसको आपको नेग्लिजेट नहीं करना है और आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्सर से मैंने शुरुआत की। आप अल्सर देखेंगे मुंह के किसी भी कोने में तो नहीं है, आपको इजीली पता चलेगा। दूसरा गाइस, आपको पैचेस देखने हैं, किसी भी तरह का वाइट पैच या रेड पैच अगर मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है, वो उजला या लालिमा जैसा दिखेगा आपको, लाल कलर का दिखेगा, धागों सा दिखेगा या धब्बों सा बना हुआ दिखेगा, जनरली हमारे इस पार्ट में बक्कल म्यूकोसा जिसको कहा जाता है, इन साइड आपको दिखाई देगा गाइस, ठीक है। तो आपको नोटिस करना है कि वैसे तो ये पैच आपको कहीं भी दिख सकता है, आपके जीभ में दिख सकता है, आपके टंग पे दिख सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे दिख सकता है, पैलेट पे दिख सकता है, आपके म्यूकोसा पे तो दिखता ही है। तो जो कॉमन साइट्स हैं ये छोड़ के मैं बोलूँगी आपको हर जगह ओरल कैविटी में नोटिस करना है कि किसी भी तरह का पैच तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर ये पैच आपको दिख रहा है, और अगेन कहूँगी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा नोटिस में आ रहा है ये, तो आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर मुंह पहले प्रॉपर खुलता था और अब प्रॉपर नहीं खुल पाता है, यानी कि जो हमारी माउथ ओपनिंग है बहुत ज़्यादा कम हो गई है पहले के मुताबिक, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसका पता आप कैसे कर सकते हैं, 3 उंगलियां नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर चली जाती है, हमारा मुंह इतना आराम से खुल जाता है। आप नोटिस करिए कि अगर 3 की जगह सिर्फ 2 ही उंगलियां अंदर जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो माउथ ओपनिंग है वो रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है, ठीक है। उसके क्या कारण है, बहुत से कारण है, उसमें से एक कारण है OSMF, ओके, वो एक प्री कैंसरस लीजन होता है जो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो आपको कैंसर में कन्वर्ट नहीं होके वो ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको माउथ ओपनिंग ज़रूर देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो नेक्स्ट कौन सा साइन सिम्टम्स आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का ग्रोथ अगर मुंह के अंदर दिख रहा है वो कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग लूज टूथ, यानी कि कोई दांत आपका हिल रहा है उसके सराउंडेड में हो सकता है, कोई दांत आपका अंदर हड्डी में फंसा हुआ है, इंफेक्शन जिसे कहते हैं, उसके भी सराउंडेड में हो सकता है। तो किसी भी दांत के आसपास, या फिर आप अपने जो जिंजाइवा होता है, हमारा जो मसूड़े होते हैं, उसमें किसी भी तरह का ग्रोथ देख रहे हैं, अगेन वो ग्रोथ अगर कम नहीं हो पा रहा है या 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है, तो आप नोटिस में जा सकते हैं, आप डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए दिखवाने के लिए, वो नॉर्मल नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। नेक्स्ट सिम्टम है अगर आपके कानों में पेन हो रहा है, वो किसी भी पेन की वजह हो, जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है उससे पेन रेडिएट हो जाता है कानों में, लेकिन अगर ये ईयर पेन आपका कंटिन्यूस बना हुआ है तो वो भी नॉर्मल नहीं है।
आगे बात करेंगे, अगर आपको स्वेलो करने में दिक्कत होता है, यानी कि जो हम खाना चबाते हैं और जब हम उस खाने को घोटते हैं, अगर उस खाने को घोटते समय मुझे प्रॉब्लम हो रही है या दर्द हो रहा है और एक कंटिन्यूस बना हुआ है दर्द, तो उसे भी अवॉइड ना करके इमीडिएट डेंटिस्ट या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जब आप अपनी ऐसी कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो आपको पहले मेडिसिन से अगर चीज़ सुधारी जा सकती है, वो डायग्नोस करके तो आपको मेडिसिन चलाते हैं। जितने दिन का वो मेडिसिन चलाएं, जो कोई होता है जो 6 महीने का चलाता है, कोई होता है जो सिर्फ 3 महीने का चलाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाते ही सबसे पहले टेस्ट के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो ट्रीटेबल है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आपको बायोप्सी वगैरह इंडिकेट करते हैं कैंसर को साबित करने के लिए कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है, डायग्नोस करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अगर जितना मैंने बताया इतने ही सिम्टम्स में अगर आपको कुछ भी नज़र आता है, किसी भी तरह का लाली, गांठ, लूज टूथ, कुछ भी ऐसा नोटिस करते हैं, तो इमीडिएट जाके एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइएगा। इस ये सब आपके लिए बता रहे हैं ताकि जो हमारे पेशेंट्स के साथ हुआ आगे किसी और के साथ ना हो। तो होप यू लाइक द वीडियो, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। एक और चीज़ जाते जाते बोलूँगी, जितना गुटखा पान टोबैको खाते हैं उसे कम से कम सेवन करिए, कम से कम करिए। अगर मैं बोलूँगी कि बंद कर दीजिए तो वो आपसे नहीं होगा, मुझे पता है, तो कम से कम सेवन करिए, क्योंकि आपकी लाइफ से आपके घर वाले इफेक्ट होते हैं। राइट, सो होप यू लाइक द वीडियो, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, लोगों में नॉलेज बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।